बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 17th सेंचुरी की। पहले इसको वी ऑल नो दैट कंगलाई पार्क वाज द नेम ऑफ दिस प्लेस। मणिपुर से पहले तो कंगलाई पार्क जाना जाता था। एक किंग थे यहाँ के, खगेम्बा। खगेम्बा वाज अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी वॉरियर टाइप ऑफ किंग एंड ही इनफैक्ट वन इंटायर बर्मा। और वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, दे यूज टू हैव आरंबाई। आरंबाई वाज अ काइंड ऑफ वेपन जिसका वो आगे का पार्ट नुकीला जैसे भाला होता है और उसमें ये पॉइजन लगा देते थे एंड दे यूज टू रन थ्रू दी हॉर्सेस और उसको फेंकते थे अपने दुश्मनों पे और ग्रुप में फेंकते थे और वो उसमें पॉइजन होने की वजह से पीपल वर बाउंड टू डाई। तो चाइनीज आर्मी को इन्होंने हराया एंड ही डिक्लेयर्ड एज द कॉन्करर ऑफ चाइना हिमसेल्फ। द खगेम्बा की बात है, ही वॉज वेरी स्मार्ट। ऑन द सेम साइड ही वॉज वेरी प्रो पब्लिक। तो पब्लिक में बहुत अच्छी इनकी आवभगत थी, पीपल लाइक हिम। इनका एक अपना बेटा हुआ और उस बेटी की शादी इन्होंने दूसरी कम्युनिटी, जैसे ही वाज फ्रॉम मैतेई एंड द सेकंड नागा कम्युनिटी की प्रिंसेस से कराई ताकि नागा और मैतेई का आपस में पैक्ट हो जाए। किंग मैतेई के थे। हाँ, किंग मैतेई के थे और उसने अपने बेटी की शादी नागा प्रिंसेस से कराई ताकि नागा और इनके बीच में क्लैशेस कम हो जाए। सो इट वॉज वेरी जो फार साइटेडनेस की कैसे हमें साथ में रहना है एंड ही वाज वेरी स्ट्रांग। तो एक तो कांगला और दूसरा कांगला शाह। कांगला शाह बेसिकली वाज द गॉड जिसको ये मानते थे और ये जैसे हॉर्स टाइप की उनकी स्टैचू थी। इन्होंने अपने फोर्ट के बाहर दो कांगला शाह की स्टैचू बनवाई और उनकी पूजा करते थे। उनकी पूजा करके ही ये जाते थे वॉर लड़ने, बट ही वन मोस्ट ऑफ द वॉर। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज वेरी स्मार्ट। इनका एक ब्रदर था जिसका नाम था सालुम्बा। सालुम्बा बहुत चिढ़ते थे। अच्छा। और सालुम्बा वांटेड टू बिकम किंग हिमसेल्फ। तो उन्होंने जो उस समय नवाब ऑफ बंगाल थे तो उनको एक खत लिखा और बुलाया कि आप इन पे अटैक करो, आई विल हेल्प यू। तो नवाब ऑफ बंगाल ने अटैक भी करा लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो वो खगेम्बा की पावर से वाकिफ नहीं थे एंड नवाब वाज डिफीटेड। नवाब अपने जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वापस आए और उस पीरियड में नवाब की कुछ सेना के सिपाही इन्होंने पकड़ लिए। और उनको जब पकड़ लिया तो उनको वहां रखा। तो इस तरह से कुछ मुस्लिम्स उस स्टेट में थ्रू दी जो इनके सिपाही से वो मुस्लिम थे। तो बाद में उनको कहा जाता है कि मैतेई का ही एक और वर्जन आया जो मुस्लिम कम्युनिटी का था, दैट इज वेरी स्मॉल वर्जन। तो ऐसा कहा जाता है। तो खगेम्बा वाज वन हुआ जो वेरी वेल।